नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नया। सलमान खान ने वरुण धवन के बारे में कही बड़ी बात। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म भारत ईद के मौके पर 5 जून को रिलीज होने जा रही है। फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस कटरीना कैफ नजर आएगी। डायरेक्टर अलीबाज जफर की इस फिल्म में सलमान और कटरीना 5 अलग अलग लुक्स में दिखाई देंगे। मेकर्स और स्टार कास्ट इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में काफी ज्यादा बिजी हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सलमान से पूछा गया कि नए बॉलीवुड स्टार्स में आगे चलकर कौन बड़ा सुपरस्टार बन सकता है। सलमान ने बिना देर सोचे वरुण धवन का नाम लिया। सलमान ने कहा कि आज की जनरेशन के एक्टर्स में वरुण धवन काफी बेहतर हैं। आपको बता दें कि सलमान और वरुण 2017 में आई फिल्म जुड़वा 2 में साथ नजर आए थे। फिल्म में सलमान खान का कैमियो था। जाहिर तौर पर सलमान खान ने वरुण धवन के बारे में बड़ी बात कही है और सलमान खान की ये बात सुनकर वरुण धवन काफी खुश हो सकते हैं। वैसे मानना पड़ेगा कि वरुण धवन अपने फैंस को काफी ज्यादा इम्प्रेस करते हैं अपनी हिट फिल्मों से। हालांकि वरुण धवन की पिछली कलंक फिल्म फ्लॉप गई थी। हालांकि इसी दौरान सलमान ने जहीर इकबाल, आयुष शर्मा, सूरज पंचोली का भी नाम लिया। इन सभी को उन्होंने लॉन्च किया था। सलमान ने कहा कि सभी कलाकार जल्द ही अच्छा काम करते हुए नजर आएंगे। बहरहाल बात अगर सलमान खान की फिल्म भारत की करें तो इस फिल्म में सलमान और कटरीना के अलावा दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर, जैकी श्रॉफ, तब्बू और नोरा फतेही भी अहम किरदार में नजर आएगी। फिल्म से दर्शकों और सलमान को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। देखना होगा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या गुल खिलाती है। वैसे आपको बता दें कि सलमान और कटरीना की जोड़ी अब तक जिस भी फिल्म में दिखाई दी है वो फिल्म काफी अच्छा बिजनेस कर चुकी है। इतना ही नहीं, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सुपर डुपर हिट रही है। लिहाजा सलमान और कटरीना की जोड़ी को एक बार फिर पर्दे पर देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। खास बात यह है कि ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज हो रही है, लिहाजा माना जा रहा है कि फिल्म ईद के दिन बम्पर कमाई कर सकती है। बहरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।